इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टर्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं। अब हम लोग तीसरे टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि सेमी कंडक्टर्स कहा जाता है, है ना। ये जो टॉपिक है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आईआईटी जेईई एडवांस में नहीं पूछा जाता है, ये मेंस में आता है या मेडिकल का जो नीट एग्जाम होता है उसमें आता है, है ना। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो है बेसिक डिफिनीशंस पढ़ेंगे, उनको समझे बिना जो है हमें आगे की थ्योरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले वो डिफिनीशन समझते हैं। जैसे एक डिफिनीशन होता है, कहा जाता है एनर्जी बैंड। हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम के अंदर खूब सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उस एनर्जी लेवल्स को हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं, तो हर एक ग्रुप जो है एक एनर्जी बैंड कहलाता है, है ना। तो इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है, इट इज कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और ये जो एनर्जी बैंड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एनर्जी बैंड को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। आपने सुना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड वो एनर्जी ग्रुप है, वो एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। और कंडक्शन बैंड वैसे एनर्जी लेवल्स का ग्रुप है या कलेक्शन है जिनके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसी तरह से कंडक्शन बैंड को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स इन विच कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हमें पता है कि अगर करंट फ्लो कराना होता है तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन काम करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा तो उसमें ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते थे, है ना। तो एक्चुअली में ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब करंट फ्लो करता है, ठीक। ये जो वैलेंस बैंड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्चुअली में बॉन्डेड होते हैं, ये ट्रेवल नहीं कर सकते, तो इनके कारण से करंट फ्लो नहीं करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हुआ कि दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन करंट फ्लो, है ना। करंट फ्लो होता है तो उसमें इनका कोई यूज नहीं आता है। इसके अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो चलने के लिए फ्री रहते हैं, मटेरियल के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द मटेरियल एंड करंट कैन फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब मटेरियल जो है वो तीन टाइप का होता है, एक तो होता है कंडक्टर्स
दूसरा होता है नॉन कंडक्टर्स और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर्स। तो वन बाय वन हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर्स के बारे में, तो जैसा कि हमने बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और यहां पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी कम होती है। ये फ्री इसलिए होते हैं, चलने के लिए तैयार इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन बैंड में जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है उन एनर्जी लेवल से जो कि बैलेंस बैंड में होते हैं। तो अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसमें हम लोग अगर कंडक्शन बैंड को दिखाएं, जैसे ये हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब ये हुआ कि इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके अंदर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी एनर्जी बराबर है, इसमें भी कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, कई सारे एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है, यानी इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो एनर्जी गैप होता है, मतलब दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है ना। डेल्टा ई इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज वेरी हाई, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए तैयार नहीं होते, मतलब कंडक्शन बैंड में वो जा नहीं सकते हैं। तो कह सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, या कहें कि रूम टेम्परेचर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप इनटू कंडक्शन बैंड, सो दे कैन नॉट बी फ्री फॉर मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए फ्री नहीं होंगे तो ये करंट फ्लो में पार्ट नहीं लेते हैं। अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, है ना, जैसे कि इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं, और जब इनको एनर्जी दिया जाएगा तो ये कंडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी के बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपने आप इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल सकती है कि ये चलने लगे। तो ये हो गया इंसुलेटर के बारे में। दूसरा हमने बताया कि ये होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी बैंड है, ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे कहें कि ये हो गया कंडक्शन बैंड और इसी में ये हो गया वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, है ना, ये वाला पार्ट। मतलब वैलेंस बैंड जो है वो यहां से यहां तक है इतना, और कंडक्शन बैंड है जो यहां से इतना है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही चलने के लिए तैयार होंगे वो जो कि कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी होगी जितनी की कंडक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसमें ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कॉमन वाले रीजन में जो कि चलने के लिए तैयार है, इसलिए कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, है ना। तो इसमें जो एनर्जी गैप है ये होता है जीरो। कहते हैं कि इस केस में
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऐसा कह सकते हैं सारा क्योंकि ओवरलैप नहीं करता है सम पोर्शन ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कुछ पोर्शन जो है ये ओवरलैप करता है और इसलिए कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं और वो चलने के लिए फ्री होते हैं इसलिए कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है सो सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव और इसलिए इसमें करंट फ्लो कर सकता है तीसरे तरह का जो मटेरियल है जो स्पेशली इसी तीसरे तरह के मटेरियल के लिए जो चैप्टर है वो डिवोटेड है इस चैप्टर में हम लोग ये तीसरा वाला जो मटेरियल है इसके बारे में पढ़ेंगे इसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो एनर्जी गैप है वो कम होता है काफी कम होता है ना जैसे ये कहा जाए कि ये कंडक्शन बैंड है और ये हो गया वैलेंस बैंड तो ये जो दोनों बैंड है इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है ये जो एनर्जी गैप है लेस देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो थोड़ी सी एनर्जी दे करके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डेड होते हैं इनको थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि उनके पास एनर्जी इतनी आ जाएगी कि वो कंडक्शन के लिए तैयार रहेंगे यानी कि करंट फ्लो करा सकते हैं है ना तो इसमें कहते हैं कि जो एनर्जी गैप इज स्मॉल सो बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी वैलेंस बैंड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू कंडक्शन बैंड ठीक है ये कह सकते हैं कि बाय एक्सेप्टिंग सम एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू कंडक्शन बैंड एंड हेंस दे विल बी फ्री टू मूव तो जैसा कि मैंने बताया अब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर जो है वो कितने टाइप के होते हैं तो सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स हैविंग इंप्योरिटी वन इन 10^8 पार्ट्स है ना मतलब कि बहुत ही कम इंप्योरिटी होता है देख सकते हैं कि इतने में से मतलब 10^8 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो इंप्योरिटी का होता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कभी यूज नहीं किया जाता है इन प्रैक्टिकल लाइफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट यूज्ड
जो दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये इम्प्योर होता है और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स इन विच सम इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग एक प्रोसेस है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस से जो है इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज पी टाइप एंड अदर वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग आगे जो है इन दोनों को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन में ही हमने बताया कि ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो दो टाइप होते हैं यानी कि पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। जैसे हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की तो इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि ये जो इम्प्योरिटी है या जो ये जो मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का इसमें जो है वो टेंडेंसी होता है। तो जैसे हम बात करें कि पी टाइप में भी एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो इसमें सारे कह सकते हैं कि जो चार्जेज हैं वो अभी बॉन्डेड है ना, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि तो सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेमीकंडक्टर है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन ये जो एनर्जी गैप है ये भी एनर्जी गैप ज्यादा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है कि ये जो इम्प्योरिटी है इस इम्प्योरिटी को इस तरह से चुना गया है कि इस ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में होता है। ये जो हो गया एक तरह से कह सकते हैं ये इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी जो है इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्टर लेवल, मतलब ये जो मटेरियल है ट्राईवेलेंट मटेरियल उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की एफिनिटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसमें क्या होता है चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ट्राईवेलेंट है तीन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक और आएगा चार हो जाएगा, चार होने के बाद उसका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे हम लोग ये इम्प्योरिटी जो है ये मिक्स करते हैं, ये वाला एनर्जी गैप बहुत ही कम है, ये वाला एनर्जी गैप ज्यादा है या ये वाला एनर्जी गैप भी ज्यादा है। हालांकि ये एनर्जी गैप भी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही है, जैसा कि हमने बताया कि सेमीकंडक्टर के अंदर इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो ये भी कम ही है। लेकिन हम लोग इतना भी जंप नहीं कराना चाहते क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इससे एनर्जी देनी पड़ेगी, हम एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। हम लोग क्या करते हैं इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। इम्प्योरिटी जो है
इसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जो एनर्जी लेवल है इसके और इसके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, यानी थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ा या थोड़ी सी एनर्जी आई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जा करके इम्प्योरिटी में पहुंच जाएंगे, यहां से इसमें पहुंच जाएंगे। जब इसमें पहुंचेंगे तो इम्प्योरिटी का कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स जो चले गए हैं वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी को हम लोग कह सकते हैं कि एक कैविटी क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग होल्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप टू एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल मतलब कि इम्प्योरिटी में चले जाएगा, है ना, एंड कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होते ही वो जो स्टेबल हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर स्टेबल हो गए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स चलने के लिए फ्री नहीं है, लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर जो है वो वैकेंसी क्रिएट हो गया। सो वैकेंसीज, वैकेंसी कह सकते हैं या कैविटी कह सकते हैं, आर क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड विच आर कॉल्ड होल्स, इनको होल्स कहा जाता है, ठीक है। होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं हैविंग चार्ज इक्वल टू प्लस ई। ई जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, उतना ही चार्ज इनके अंदर भी होता है। तो अब देखेंगे कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्रिएट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो गए वो तो न्यूट्रलाइज हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होकर के वो खत्म हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज जो है यानी कि जो होल्स है वैलेंस बैंड के अंदर, ये चलने के लिए फ्री है, इसके अंदर ऐसे कैविटी क्रिएट हो गई है। अब ध्यान ये रखना है कि मैं ये वैलेंस बैंड कहूं या कंडक्शन बैंड कहूं या इम्प्योरिटी कहूं, ये पूरा सेमीकंडक्टर के अंदर ही है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर पहले भी न्यूट्रल था और इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए तब भी न्यूट्रल है, क्योंकि इम्प्योरिटी जो है उसी मेटेरियल के अंदर ही है ना। तो उसी के अंदर से ही एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरी जगह जाकर के वो कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करके स्टेबल हो गए, ठीक है। तो ये होल्स भी उसी मेटेरियल के अंदर है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए वो भी उसी मेटेरियल के अंदर ही है, ये पूरा एक ही मेटेरियल है सेमीकंडक्टर। इसका मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है वो अभी भी न्यूट्रल रहता है, ये ध्यान रखना है। चार्ज कैरियर्स भले क्रिएट हो गए जो कि अब चलने के लिए फ्री है, अब ये चलेंगे, लेकिन जो कंप्लीटली कहा जाए तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये अभी भी न्यूट्रल है। तो कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर्स इज स्टिल न्यूट्रल बट चार्ज कैरियर्स का मतलब यहां पर हो गया होल्स, आर क्रिएटेड विच टेक पार्ट इन करेंट फ्लो। जिस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं, उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक डोनर इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, यानी कि इसमें एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर
pentavalent impurity is mixed. अब pentavalent impurity क्यों mix करते हैं इसको समझते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि ये हो गया conduction band, है ना, और ये हो गया वैलेंस बैंड. तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो जैसा कि मैंने बताया था 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है. लेकिन ये एनर्जी गैप भी हमारे लिए कह सकते हैं कि ज्यादा, हम लोग इतना भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराना चाहते. तो क्या करेंगे, एक ऐसी इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास में होता है. ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये है, ये पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है, या इसको हम लोग डोनर इम्प्यूरिटी भी कहते हैं. डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. जैसे पेंटावैलेंट का मतलब है कि इसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना. तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देगा कंडक्शन बैंड में, तो इसके पास 4 आ जाएंगे. 4 इलेक्ट्रॉन होते ही इसका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल हो जाएंगे, है ना. तो ये जो पेंटावैलेंट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है. इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटी में जाते थे, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से निकल करके इम्प्यूरिटी में गए, इम्प्यूरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया उनको और उनको स्टेबल कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से गायब हो गए. ये होल्स जो है ये क्रिएट हो गए, ये चलेंगे इसके अंदर. जबकि इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड जो है बिल्कुल वैसे का वैसा है, जो इम्प्यूरिटी है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंडक्शन बैंड में पहुंचा देता है. कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि चलने के लिए फ्री हैं. तो इनके कारण से करंट इसमें फ्लो करता है, है ना. तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में जंप टू कंडक्शन बैंड बाय एक्वायरिंग सम small amount of energy and those electron will be free to move, है ना. अब इनका तो covalent bond complete हो गया और ये stable हो गया, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आए अब वो चलने के लिए फ्री हैं. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक. तो जैसा कि हमने देखा कि पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं इसीलिए उसको पी टाइप कहते हैं, और एन टाइप में निगेटिव चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है यहां पर, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है. लेकिन उसके बावजूद भी, चूंकि चार्ज कैरियर्स तो क्रिएट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पूरे सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये न्यूट्रल रहता है, क्योंकि ये जो इम्प्यूरिटी है उसी सेमीकंडक्टर के अंदर है, ये कंडक्शन बैंड उसके अंदर ही है, वैलेंस बैंड इसके अंदर ही है. तो उसी सेमीकंडक्टर के अंदर ही एक पार्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पार्ट में गया है,
तो ओवरऑल अगर सेमीकंडक्टर का बात करें तो वो न्यूट्रल रहता है, बट सेमीकंडक्टर स्टील रिमेन्स न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रल रहता है, लेकिन चार्ज कैरियर जो है वो क्रिएट हो गए। जब चार्ज कैरियर्स इसमें क्रिएट हो गए हैं तब जो है इसे करंट फ्लो कराया जा सकता है।